जीत गया। यहाँ पे देखिए आप इसके सॉकर के पास, सॉकर वाले एक्सल के पास ये आपको बिल्कुल जकड़ के रखा हुआ। और क्लोज कैमरा का नहीं पकड़, यही मुआ एकदम दबकल यहीं पे एकदम सामने, यहाँ से बिल्कुल साफ तरीके से देख सकते हैं अजगर। भैया पीछे मुड़ेगा, काफी खतरनाक, काफी अग्रेसिव। देखिए कैसे ये हाथ से, काफी खतरनाक, काफी खतरनाक है ये, काफी करीब है और ये मुंह के पास पकड़ लिए, मुंह को पकड़ लिए, काफी रिस्की। आप भी हैं कुछ APRG ग्रुप अजगर का रेस्क्यू करते हुए। ये रहा अपना टेंशन मत, पूछे पकड़े क्या वहाँ जी, रुको नहीं यार, पूछे छोड़ दिए। फेसबुक पर लाइक करते ना, काफी खतरनाक। इसको रेस्क्यू करने के लिए गाड़ी का व्हील को खोलना पड़ा। ले जाइए। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे कार्यक्रम रूबरू में। मैं विश्वेंदु जयपुरिया, आज मेरे साथ स्टूडियो में जो 37 वर्षीय युवा मौजूद है, ये मैकेनिकल इंजीनियर है। इन्होंने कुछ साल पुणे में विप्रो कंपनी में जॉब की, लेकिन प्रकृति, पशु पक्षी और जानवर से इन्हें इतना प्यार है कि इन्होंने इस जॉब को छोड़कर हजारीबाग आकर एक ग्रुप का निर्माण किया और अब ये न सिर्फ जानवर बल्कि पक्षियों का भी रेस्क्यू करते हैं। और सबसे बड़ी बात है, इनका ग्रुप जो है वो कनेरी पहाड़, झील जैसे स्थलों पर जाके उनकी साफ सफाई करता है और साथ ही पौधे भी लगाता है। तो आइए देव प्रताप सिंह से बात करते हैं, जानते हैं इनके पूरे कार्य को। देव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आवाज डेली हर सिटी में। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आपने क्या पढ़ाई की, कहाँ जॉब किया और अचानक से फिर आप कैसे हजारीबाग वापस आ गए? मैं चाइल्डहुड में 5th क्लास तक यहीं पे था, हजारीबाग में ही, और इसके बाद मैं पूरा एजुकेशन मेरा महाराष्ट्र से हुआ, मैंने वहीं पे बीई किया मैकेनिकल से। उसके बाद पहले एक रेमंड में जॉब किया 1 साल, उसके बाद विप्रो ज्वाइन किया, विप्रो 6 साल तक जॉब किया। उसके बाद बीच में एक मौका भी मिला, मैं 2007 MTV लाइसेंस टू फ्लड में विनर भी था, लेकिन पर्यावरण और इनके प्रति ज़्यादा लगाव के कारण वहाँ नहीं रह पाया, मैं वापस अपने हजारीबाग लौट आया। आजकल के युवा जो है वो जब इंजीनियरिंग करते हैं तो एक ध्येय एक ही होता है, बड़ा पैकेज, कहीं मुझे एक अच्छा स्थान मिल जाए किसी बड़ी कंपनी में ताकि मैं लेविस लाइफ जीऊं। आप एक अच्छी कंपनी में काम करते थे और आपने उस जॉब को छोड़ दिया और आप हजारीबाग आ गए, तो आजकल के युवा, क्योंकि आप भी अभी फिलहाल इसी पीढ़ी से हैं और आपने जॉब को छोड़कर बिल्कुल एक नई राह चुनी। नहीं, हर लोगों का अपना एक एम रहता है और लोगों का जिस चीज में रुचि रहे उसकी ओर वो अगर ये करे तो ज्यादा सफल रहेंगे, और हर चीज़ पैसा ही नहीं होता है। मुझे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन उसमें नहीं आ रहा था, मैं अच्छे पोस्ट पे था, 6 साल काफ़ी टाइम होता है कंपनी में, जो अच्छा ग्रोथ मिला मुझे, लेकिन मैं मुझे उतनी सेटिस्फैक्शन नहीं थी वहाँ पे। और मैं पर्यावरण या वाइल्ड लाइफ के कारण जो भी कुछ करता हूँ या किसी का हेल्प करता हूँ, किसी के यहाँ से स्नेक रेस्क्यू करता हूँ, तो मुझे मतलब उतना सेटिस्फैक्शन वहाँ का एक बड़ा सैलरी लेके भी नहीं होता था जितना मुझे इसमें होता है। तो आपका एक ग्रुप है, आप काफी सारे कार्य कर रहे हैं आप लोग, तो मैं जानना चाहूंगा दर्शकों को आप बताइए कि वो क्या सारे कार्य है जो आप फिलहाल आप हजारीबाग शहर में कर रहे हैं। ये स्टार्ट तो हम लोगों ने एनिमल रेस्क्यू से ही किया था, लेकिन जैसे जैसे यहाँ हजारीबाग शहर में जैसे जैसे अपॉर्चुनिटी मिलती गई और लोगों ने जैसे जैसे सराहना किया और मदद करते गए लोग, और हम लोग का भी हौसला बढ़ते गया, तो एनिमल रेस्क्यू से स्टार्ट किया था। उस समय हम लोग फॉरेस्ट के साथ मिल करके डियर भी हम लोगों ने रखा था, और उसको आप लोगों ने भी एक स्टोरी कवर किया था पेपर में, जिसको हम लोगों ने लक्ष्मी नाम से वापस नेशनल पार्क में छोड़ा था, उसको बढ़ा करके। बाद में हाइना को भी रेस्क्यू किया, अजगर काफ़ी विशाल काय के भी अजगर भी हम लोगों ने रेस्क्यू किया, अभी मेरे पास एक ईगल है, और कोरोना के टाइम में बहुत सारे पेट डॉग जो लोगों ने छोड़ दिया था किसी मजबूरी के कारण, वो 2 मेरे पास अभी हैं, एक जर्मन शेफर्ड और एक लैब्राडोर, वो एडॉप्शन के लिए हैं फ्री। और आप लोग के माध्यम से मैं बताना भी चाहूँगा कि कोई अगर एडॉप्ट करना चाहे तो बहुत अच्छा होगा।
दर्शकों को पहले मैं बता दूं कि इनके पास एक बहुत उम्दा क्वालिटी का जर्मन शेफर्ड है जिसकी उम्र 2 साल है, वो मेल डॉग है जी। और किसी व्यक्ति ने कोरोना से जब पूरा परिवार पॉजिटिव हो गया तो उस व्यक्ति ने उस डॉग को इन्हें दे दिया, तो इन्होंने अडॉप्ट किया है, बहुत प्यार से पाला है। अब ये चाहते हैं कि कोई सक्षम परिवार उसे अडॉप्ट करे, तो मैं दर्शकों आपको कहता हूं कि अगर आपको चाहिए तो आप देव प्रताप सिंह से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप जानवरों का भी रेस्क्यू करते हैं और पक्षियों का भी, लेकिन हजारीबाग में जो भी लोग कार्य कर रहे हैं वो एक ही कार्य करते हैं, आप तरह तरह के कार्य कर रहे हैं, पौधे भी लगा रहे हैं, कुछ दिन पहले आपने कनेरी की भी सफाई की जी। कनेरी एक ऐसा एरिया है, मतलब हार्ट ऑफ द सिटी बोले आप, जहाँ पे लोग अपना वीकेंड बिताना चाहते हैं, बहुत ही अच्छा जगह है, बाहर के भी लोग आते हैं, अभी पर्यटक आना पहले से बहुत ज़्यादा वहाँ बढ़ गया है, लेकिन उतनी ही ज़्यादा गंदगी फैल रही है वहाँ पे, जो भी आता है कुछ छोड़ के ही जाता है वहाँ से, अच्छे तस्वीर लेके जाता है और पीछे में कुछ ऐसा छोड़ के जाता है जो पर्यावरण के लिए भी अच्छा नहीं है। तो हम लोग वीक में एक अपना टीम है पूरा जो संडे को प्लांटेशन भी करता है, ज़्यादा पेड़ नहीं, हम लोग संडे को 2 या 3 पेड़ लगाते हैं ऐसे जगह पर जहाँ बचाया जा सके, तो उस पेड़ को लगाते भी और आसपास में थोड़ा सा सफाई भी कर लेते हैं। आप जितने भी 2 ही पेड़ लगा रहे हैं लेकिन बहुत बड़ी काम कर रहे हैं आप लोग वहाँ पे। एक सवाल है कि जो लोग आते हैं और गंदगी छोड़ कर जाते हैं तो कितनी तकलीफ होती है कि लोग यहाँ पर आते हैं और अपनी जिम्मेवारियों का निर्वहन भी अच्छे से नहीं करते हैं। एक जिम्मेवारी बनती है कि आप जब वहाँ पर गए हैं और कुछ भी खाया पिया तो कम से कम वो जो कूड़ा कचरा है उसको आप खुद साथ लेके चले जाए या कहीं सही जगह उसको डिस्पोजल कर दें। नहीं, पहले से ज़्यादा लोगों में अवेयरनेस बढ़ गया है इस चीज़ का, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे हैं जो कि अपने मौज मस्ती में पीछे क्या छोड़ के जा रहे हैं उसका परवाह नहीं करते हैं। और हम लोगों ने एक वहाँ पे जगह भी बनाया है जहाँ पे हम लोग स्नेक को छोड़ते हैं, उसको हम लोगों ने नाम दिया है स्नेक हेवन करके, और वहीं पर हम लोग जितने भी स्नेक रेस्क्यू किया है आस पास के शहर से या फिर वहाँ पर हम लोग छोड़ते हैं जो छोटे प्रजाति के हैं, और जो अजगर अजगर हैं उनको हम लोग नेशनल पार्क में जा कर छोड़ते हैं। अपने काफ़ी स्नेक्स का भी रेस्क्यू किया है, तो ये अचानक सांप का रेस्क्यू आप कैसे करने लगे? ये स्नेक रेस्क्यू क्योंकि काफ़ी कठिन कार्य है जी, और काफ़ी दिलचस्प भी है। हाँ जी, काफ़ी कठिन है ये, और जब भी हम लोग रेस्क्यू के लिए कॉल आता है मन में बहुत ही भय भी रहता है, और बहुत सारे लोगों की मृत्यु भी हुई है जो भी स्नेक सांप मित्र रहे हैं, बहुत ही एक्सपर्ट रहे हैं, हमेशा आप 1000 बार आप उनको पकड़ते हो लेकिन कभी 1 बार बाई मिस्टेक अगर वो पकड़ ले आपको तो उसका अंजाम बुरा होता है। लेकिन जहाँ से कॉल आता है वो लोग जब बहुत ज़्यादा भयभीत रहते हैं और उस समय अपने आप को रोका नहीं जा पाता है, मतलब वो अपना जानवरों के प्रति प्रेम बोले या एक जिम्मेवारी जो कि टाइम टू टाइम बढ़ती ही जा रही है, तो उसके कारण पूरी टीम एक्टिव रहती है और जहाँ से भी कॉल आता है हम लोग रात दिन जाके वहाँ से रेस्क्यू करते हैं। आपने कहीं सीखा है सांप पकड़ने का ये टेक्निक जो? नहीं, ईमानदारी से बोलना सही रहेगा, नहीं कहीं से सीखा नहीं है, लेकिन बहुत सारे जो एक्सपर्ट लोग हैं जैसे हजारीबाग के ही मुरारी भी हैं, उनसे भी, उनके बहुत सारे ये देख करके या फिर और भी एक्सपर्ट को देख करके सीखा है, और इसमें हिम्मत से ज़्यादा टेक्निकली आदमी को स्ट्रांग होना चाहिए और वही उससे आसानी से फिर कर लेते हैं। ये बहुत थैंकलेस जॉब है, आप ये कार्य कर रहे हैं, किसी तरह की कोई घटना घट गई तो जिनके आप गए वो फिर दोबारा घूम पलट के भी नहीं देखेंगे। नहीं, तो मैं एक ही बात जानता हूँ कि जो सेफ्टी गैजेट्स आते हैं, जो दस्ताने आते हैं, जो शूज आते हैं, जिस तरह के स्टिक आता है, उसका इस्तेमाल आप करते हैं या नहीं करते, क्योंकि हजारीबाग में ज्यादातर लोग नहीं करते हैं। हाँ, कुछ हम लोगों ने हम लोग से ही खुद जुगाड़ टेक्नोलॉजी से कुछ बनाया हुआ है स्टिक, हम लोग के पास अभी तो प्रोफेशनल स्टिक है नहीं, शूज, हाँ शूज हम लोग पहनते हैं अच्छे कि पैर में नहीं बाइट हुए, लेकिन अभी हम लोग ने जुगाड़ से ही बनाया हुआ है स्टिक जिसका हेल्प ले करके हम लोग ये करते हैं। आप डॉग्स को भी अडॉप्ट करते हैं, किसी से भी कॉल आ जाता है तो आप जाके वहाँ से उसको ले आते हैं, तो डॉग्स के बारे में है कि 2 साल का डॉग जो हो जाता है वो तो काफ़ी डेंजरस हो जाता है, काफ़ी खूंखार हो जाता है, तो वैसे डॉग को कैसे आप लेके आते हैं और फिर क्या करते हैं ताकि वो प्रॉपर तरीके से आपके यहाँ भी एडजस्ट हो जाए? नहीं, कॉल तो बहुत ज़्यादा आते हैं लेकिन हम लोग उतना रिस्पांस नहीं कर पाते जगह के कारण और साधनों के कारण, लेकिन जो भी है साधन और उसमें प्रयास करते हैं एडजस्ट करना, और बड़े डॉग जो आते हैं उनके साथ कुछ आपको थोड़ा सा तो नॉलेज होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू बुक आप हमेशा जाएंगे तो आप सक्सेसफुल नहीं होंगे, एक आपका हाँ प्रैक्टिकल नॉलेज, आपका लगाव, अफेक्शन और एक डॉग का सेंस जो आप समझना चाहिए कि क्या हो, कब उसका बिहेवियर कैसा है, क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, तो थोड़ा सा उस पर आप ध्यान देंगे तो उसको एक्सप्लेन करना आसान नहीं है लेकिन वो हो जाता है उसके एक्सपीरियंस से ही। आपने गायों का भी रेस्क्यू किया है, बड़े जानवरों का भी किया है रेस्क्यू? जी, बड़े जानवर में हम लोगों ने कुछ ही दिन पहले CRPF में एक पूरा एक पैर कटा हुआ हिरन आया था,
जो कि किस कारणवश कटा था मालूम नहीं, सीआरपीएफ वालों ने फॉरेस्ट को हैंडओवर किया, फिर फॉरेस्ट से हम लोगों को कॉल आया, उसको तीन ही पैर थे, एक पैर कटा ही हुआ दिए थे, और उसका हम लोगों ने कोरोना के टाइम में ही आया था, तो उस टाइम में कोई डॉक्टर भी नहीं थे और आपका घोड़ा अस्पताल भी पूरी तरह से बंद था, तो हम लोगों ने अपने साधनों से उसका इलाज किया, तीन चार दिन तक वो सर्वाइव किया। लेकिन ये हिरन बहुत सेंसिटिव होता है, एक इंजेक्शन भी उनको उनकी जान लेने में सक्षम रहता है, तो उसको हम लोग सर्वाइव नहीं करा पाए, लेकिन ऐसे आते हैं मौके जहाँ बड़े रेस्क्यू हम करते हैं। दरअसल हिरन के साथ ऐसी दुर्घटनाएं सेंचुरी के आसपास हो जाती है जहाँ लोग काफी तेज रफ्तार से गाड़ियों को ले जाते हैं जी, वहाँ बोर्ड भी लगा हुआ है कि इस रफ्तार आप कम करके चले 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जी, लेकिन लोग काफी तेजी से गाड़ियों को ले जाते हैं और दुर्घटना हो जाती है। कई बार मैंने देखा है कि लकड़ वगैरह भी मरे रहते हैं वहाँ पे जी। हिरन ही नहीं, वो आप हिरन तो खैर वो तो रेयरेस्ट हो गए, लेकिन वो हम लोग कोई कभी भी गाड़ी तेज चलाने समय शहर के आसपास बहुत सारे ऐसे हम लोग को कॉल आते हैं कि पपीज़ हैं, पांच छह बच्चे हैं और उसकी माँ कार एक्सीडेंट में मर गई है। अच्छा। तो वैसे भी बहुत सारे कॉल आते हैं, तो उस समय रश ड्राइविंग में आदमी को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि वो किसी को दुर्घटनाग्रस्त करेंगे तो उसके पीछे भी बहुत सारी फैमिली रहती है जो उससे क्षतिग्रस्त हो जाती है। देव जी, सांपों का रेस्क्यू करते हैं तो आपसे एक चीज़ जानना चाहेंगे कि कितने तरह के सांप यहाँ पर हैं जो पॉइजनस हैं, हजारीबाग के आसपास क्षेत्रों में मिलते हैं शहर में? हजारीबाग ज़्यादा तो मैंने देखा है कि रसल वाइपर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, और ये रसल वाइपर इधर ही कुछ सालों में बढ़ा है जैसे पहले के लोग बताते हैं, तो ये चार पाँच सालों में रसल वाइपर की संख्या बहुत बढ़ गई है, और बाकी स्नेक का एक एरिया रहता है कि वो ऐसे में रहेगा, लेकिन रसल वाइपर ऐसा है कि वो अपने आप को कहीं पर भी एडजस्ट कर लेता है और वो थ्रू आउट द ईयर आपको दिख जाएगा, वो जो एरिया में है आपको विंटर में भी वो सन बाथ लेने के लिए वो बाहर आएगा और धूप में आके सूरज की रोशनी में बैठता है और इसलिए वो हमेशा दिख जाता है। बाकी ये आपके सांप जो हैं वो विंटर में हाइबरनेशन में चले जाते हैं, लेकिन रसल वाइपर आपको हमेशा दिख जाएगा, और रसल वाइपर के कारण गेहूमन दिखना बंद हो गया है। मुझे ये समझ में आता है कि गेहूमन अभी लोकल में इस साल हम लोगों ने एक भी रेस्क्यू नहीं किया, जिसमें कि पीड वाइपर भी रेस्क्यू किया जो कि रेयरेस्ट है ग्रीन स्नेक जो है, और जहरीले सांपों में आपका रसल वाइपर हो गया, गेहूमन हो गया, पीड वाइपर है, करैट है, और बाकी नॉन पॉइजनस है, ये जनरली चार तो आपके पॉइजनस है। आपने स्नेक हेवन की बात की जी, थोड़ा ये कैची लगा मुझे कि स्नेक हेवन, ये कहाँ पर ये जगह और कौन से सांपों को मार्च हो रहा है? ये जीवलाल्टर के सामने जो एनएच गया हुआ है उसके बगल में ही एक छोटा सा स्पॉट है, जंगल है, वो वहाँ पे पानी के लिए भी साधन है और स्नेक के लिए बहुत ही अच्छा एनवायरमेंट है, बहुत ही डेंस फॉरेस्ट है और थ्रू आउट द ईयर वहाँ वाटर अवेलेबल रहता है, तो जो भी हम लोग स्नेक अभी रेस्क्यू कर रहे हैं आसपास में वहीं पे हम लोग छोड़ते हैं, और इधर नॉन पॉइजनस सारे स्नेक्स वहीं जी वहीं पे छोड़ रहे हैं हम लोग, तो और शहर से थोड़ा दूर हो जाता है और उनके लिए बहुत ही अच्छा एनवायरमेंट है वहाँ पे। अभी तो हम लोग छोड़ते छोड़ते अब कुछ दिनों से हम जा रहे हैं तो हम लोग को दिख भी जाते हैं वहाँ पे स्नेक, और शायद हमारे ही छोड़े हुए दिखते हैं वो वहाँ पे दिख जाते हैं हमें। लोग सांपों को ज्यादातर मैं देखता हूँ कि मार देते हैं, ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप काफी गहरे रूप से जुड़े हुए हैं बचाने में, उनको रेस्क्यू कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? लोग ऐसा कदम बहुत बार तो भय से कर देते हैं, मार देते हैं, लेकिन ये दुख होता है कि बहुत सारे टाइम में हम जाते हैं और एक्साइटमेंट में लोग, मजे में लोग सांप को मार देते हैं अपना बहादुरी दिखाने के लिए, उस समय दुख होता है। कई बार हमें कॉल आया और हमें पहुंचने में पाँच मिनट भी नहीं लगा और जाते हैं तो देखते हैं वहाँ पे स्नेक को मार दिया गया, तो उस समय काफ़ी दुख होता है, और उस समय दुख होता है जब धामीन जैसे नॉन पॉइजनस रैट स्नेक उनको भी मार दिया जाता है। कई बार देखा है कि अजगर को मार के भी लोग सेल्फी लेते हैं उसके साथ, तो वो भी बड़ा बुरा लगता है कि ऐसे सांप जो आपके आपको कुछ नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं या जिनमें कोई जहर नहीं है उनको भी आप मार देते हैं, और बस इसके लिए कि आपको उसमें थोड़ा सा मजा आया। आपने एक ग्रुप बनाया है जी, जिसमें करीब जहाँ तक मैं जानता हूँ कि 80 से अधिक कुछ मेंबर्स हैं उसमें जी, ये ग्रुप क्या है और क्या कार्य आप लोग कर रहे हैं, क्या ये सारे कार्य उसी ग्रुप के अंतर्गत कर रहे हैं आप? जी, ये अभी हम लोग के ग्रुप का नाम है एनिमल प्रोटेक्शन रेस्क्यू ग्रुप, लेकिन आपके माध्यम से मैं लोगों से एक सजेशन भी लेना चाहूँगा कि हमें ये ग्रुप का नाम, कुछ लोगों ने सजेस्ट किया कि आप इसके लिए भी ट्रीज़ के लिए भी काम करते हैं, प्लांटेशन के लिए भी, सफाई के लिए भी, तो आपका नाम ऐसा लगता है कि आप एनिमल के क्षेत्रों में ही सीमित हैं, तो आप इसका नाम अगर बदल करके कुछ और रखें, तो मैं आपके माध्यम से लोगों से सजेशन भी लेना चाहूँगा कि हम इसी नाम के थ्रू कंटिन्यू करें या कुछ और चेंज करके हम करें, तो प्लीज़ हमें सजेस्ट करें।
आपने हजारीबाग को एक और चीज दिया है कि ये कुत्तों के आप बहुत शौकीन है, आपके पास वैरायटी डॉग्स के बहुत ज्यादा अलग अलग ब्रीड के जी, उसके बारे में बताइए। और मुझे मालूम है कि आप जो पपीज होते हैं वो सप्लाई बाहर भी करते हैं जी, वो पूरा काम उसके बारे में विस्तार से बताए। ये डॉग ब्रीडिंग मैं करता हूँ, मेरा कैनल है ब्लैक किंग कैनल के नाम से है, और हजारीबाग में फर्स्ट डॉग शो मैंने ही ऑर्गेनाइज किया था, हमारी ग्रुप ने HCCA हम लोग ने फाउंड किया है, हजारीबाग सिटी K9 एसोसिएशन, और दो बार हम लोगों ने सक्सेसफुली डॉग शो किया है, उसके बाद कोविड के कारण नहीं कर पाया अगले साल। और इसमें बाहर से बहुत सारे लोग कांटेक्ट करते हैं हमें, और कुत्तों में डॉग ब्रीड में लोगों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, लेकिन अच्छे क्वालिटी के डॉग नहीं अवेलेबल होने के कारण बहुत सारे बार लोग को कहीं से नुकसान हो जाता है, अच्छे क्वालिटी के डॉग नहीं मिलते हैं, तो हम लोग जो भी रखते हैं वो KCI पेपर के साथ है और अच्छे भी नस्ल के कुत्ते हैं सर। आपने हजारीबाग के लोगों को हस्की और पिटबुल से परिचय कराया जी, ये दो ब्रीड जो लोग नहीं जानते थे आपने सप्लाई किया जी, इसके बारे में जानना चाहेंगे कि ये अचानक से ये शौक आपको पिटबुल और हस्की जैसे डॉग का? ये दोनों ही चैलेंजिंग ब्रीड थे, पिटबुल वर्ल्ड का मोस्ट एग्रेसिव डॉग है, और बाकी डॉग तो मैंने रख लिया था, लेकिन एक पिटबुल जो एक बदनाम हो चुका था बाकी कंट्रीज में, उसके लिए लाइसेंस लगता है, बैन है बहुत सारी जगह, लेकिन वो ब्रीड इतना बुरा नहीं है, आप किसी को भी, किसी का भी नेचर एग्रेसिव हो सकता है, अगर अच्छे से आप उसको ट्रेंड करें, ग्रूम करें, सोशलाइज करके रखें, तो पिटबुल को भी आराम से रखा मैंने यहाँ पे। और हस्की के बारे में भी लोग की मान्यता थी कि वो एक ठंडे जगह से आया है, साइबेरिया का ब्रीड है वो, लेकिन मैंने रखा, अभी मेरे पास वो 3-4 साल से है, और मैं जैसा देख रहा हूँ कि उससे ज़्यादा आपको गर्मी जर्मन शेफर्ड को लगती है, जितना आराम से वो उसका कोट उसे विंटर में प्रोटेक्ट करता है, समर में भी उसका कोट उसे उतनी अच्छे प्रोटेक्ट करता है। बहुत सारे लोग हैं जो डॉग्स रख तो लेते हैं जी, लेकिन समय बीतता है तो उसे सड़कों पर छोड़ देते हैं, या कभी कुछ बीमारी हो गई तो ट्रीटमेंट कराना नहीं चाहते हैं। आप रखे हैं तो आपको मालूम है कि वो बिल्कुल फैमिली मेंबर की तरह हो जाता है, तो कितना तकलीफ होता है जब देखते हैं कि कोई अच्छे ब्रीड का डॉग है उसको लोगों ने सड़क पर छोड़ दिया मरने के लिए? नहीं, बहुत सारे लोग प्लानिंग से, कुछ भी आदमी वो लाइफ में करना चाहिए मेरे हिसाब से, तो प्लानिंग करना चाहिए, आप भले ही एक डॉग भी ले रहे हैं लेकिन लो आप, वो आपके लिए वो 12-13 साल आपके फैमिली का एक मेंबर हो जाता है, और वो आपके अलावा किसी को जानता नहीं है, और उस समय में आपको जब वो 2-3 साल जान लिया, आप उसको हटा रहे हैं या कहीं छोड़ दे रहे हैं, तो उससे बुरा उसके लिए कुछ नहीं हो सकता है, तो कुछ भी आप लें आपके हिसाब से लें, उसको आप एक स्टेटस सिंबल बना के ना लें, आपके रिक्वायरमेंट क्या है, आपको एक एग्रेसिव डॉग चाहिए, गार्ड डॉग चाहिए, या फिर फैमिली डॉग चाहिए, आप सोच ले, समझ ले, उसके बाद ले, जरूरी नहीं है कि आप डॉग ले, आपको अगर वैसा है तो आप एक स्ट्रीट डॉग अडॉप्ट कर सकते हैं, लेकिन एक अच्छा डॉग ले करके आप उसको फिर छोड़ दे रहे हैं, आपका घर उतना बड़ा नहीं है या वो एग्रेसिव हो जाएगा, तो आप उसके बारे में थोड़ा सा हिस्ट्री जान ले, आप रॉटवेलर ले रहे हैं तो एग्रेसिव रहेगा ही, उसका नेचर ही है, आपके हिसाब से वो बदलेगा नहीं, तो आप उसके हिसाब से बदलें, और नहीं ले सकते हैं तो ना लें, बहुत सारे टाइम एग्रेसिव डॉग को लोग लेके और छोड़ देते हैं जब वो एग्रेसिव हो जाता है तो। मैकेनिकल इंजीनियर देव प्रताप जी, आने वाले समय में क्या करना चाहेंगे और हजारीबाग के लिए, क्योंकि आपने NGO बना लिया है जी, और आगे और क्या काम करना चाहेंगे आप? अभी हम लोग जैसे एनिमल रेस्क्यू कर रहे थे, अभी लेटेस्ट में हम लोग प्लांट का रेस्क्यू करते हैं, आप देखे होंगे कि नर्सरी से खरीद के लगाना तो आसान है, कोई भी वो पैसा दे करके खरीद सकता है, और हम लोग जहाँ से स्नेक रेस्क्यू करते थे वहाँ से लोग हमें पैसा ऑफर करते थे, लेकिन ये ठीक नहीं लगा कि पैसा लेकर के ग्रुप में पैसा का हिसाब देना क्या होता है कैसे होता है, तो हम लोग जहाँ से भी स्नेक रेस्क्यू करते हैं 5 प्लांट लेते हैं, वो हमें पहुँचा देते हैं, या फिर वो खुद मुझे नर्सरी से अवेलेबल करवा देते हैं, और वो वही प्लांट का हम लोगों ने एक नर्सरी बना के रखा हुआ है, ये ट्री बैंक उसका नाम दिया हम लोगों ने, और वो जो भी हम लोग से लेना चाहे दूसरा, हम लोग उसका ऐड डालते रहते हैं हमेशा, कोई भी पब्लिक कलेक्ट करना चाहे वो फ्री में अपने बर्थडे पे, एनिवर्सरी पे हम लोग प्लांट उनको फ्री देते हैं, या हम ही लोग जा करके उसको हर संडे लगाते हैं। फिर तो जो पौधे आप लगाते हैं तो पूरी उसकी देखभाल करते हैं ताकि वो ग्रो कर जाए जब तक? जी, हम लोग चाहते हैं कि कम ही लगाएं, लेकिन वहाँ लगाएं जहाँ हम उसका केयर कर सकें, या फिर ऐसे जगह लगाते हैं कोई फ्रेंड या कोई जान पहचान के पास में कि उनको हम रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, हम भी जाते हैं वहाँ, उसी बहाने हम अपने फ्रेंड से ही मिलते हैं और उसको याद दिलाते रहते हैं कि भाई ध्यान रखना इसका। देव जी, आप यहाँ पर आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे देव प्रताप, अगली बार फिर किसी नए अतिथि से मिलता हूँ, आप बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।